दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको सिल्वर पेपर प्लेट डोना थाली बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है उसके बारे में बताऊंगी, कैसे आप ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, आपको कौन से लाइसेंस की ज़रूरत होगी और सिल्वर पेपर बनाने के लिए आपको कौन से रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी, उसकी कीमत क्या है और आप इसे मार्केटिंग कैसे करेंगे, आदि सभी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली नई नई वीडियोस के बारे में आपको सबसे पहले जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले प्लास्टिक की प्लेट्स अधिक इस्तेमाल होती थी, लेकिन पर्यावरण का ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ने प्लास्टिक से बनी हर चीज़ को बैन कर दिया है। सिल्वर पेपर प्लेट डोना की मांग बढ़ गई है। मांग अधिक होने के कारण सिल्वर पेपर प्लेट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होने लगी है, जिससे इसके रॉ मटेरियल की डिमांड भी बढ़ गई है और इसका रॉ मटेरियल तैयार करने वाले भी बहुत कम हैं। इस तरह सिल्वर पेपर प्लेट के लिए रॉ मटेरियल बनाने के बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है और इसमें कॉम्पिटिशन भी बहुत कम है। तो दोस्तों, आप भी लैमिनेटिंग सिल्वर पेपर रोल बनाने का बिजनेस शुरू करके हर महीने लाखों रुपए कमा सकते हैं। कौन सा रॉ मटेरियल और मशीन की ज़रूरत होगी? रॉ मटेरियल में मेजर प्रकार का पेपर यूज होता है। पहला है सिल्वर पेपर और दूसरा है ब्राउन पेपर। इसके अलावा लैमिनेशन करने के लिए आपको गम यानी कि ग्लू की ज़रूरत होगी। सिल्वर पेपर GSM में आता है, जिसका मतलब होता है ग्राम पर स्क्वायर मीटर, मतलब जितना ज़्यादा GSM होगा उतना अच्छा आपका पेपर होगा और उतनी अच्छी क्वालिटी की आपकी प्लेट बनेगी। आपको अपने शहर में मार्केट में देखना होगा कि वहाँ सिल्वर पेपर प्लेट थाली डोना बनाने वाली किस क्वालिटी की रॉ मटेरियल का उपयोग ज़्यादा करते हैं और फिर उस हिसाब से आप रॉ मटेरियल तैयार कर दे सकते हैं। यह मशीन अलग अलग क्षमता की होती है, इस कारण यह मशीन अलग अलग प्रोडक्शन करती है, जैसे कि 100 किलो प्रति घंटा, 200 किलो प्रति घंटा, 250 किलो प्रति घंटा, और इस बिजनेस के लिए कम से कम लेबर की ज़रूरत होगी। आइए जानते हैं कैसे बनता है लैमिनेटर सिल्वर पेपर रोल। मशीन में ब्राउन पेपर और सिल्वर पेपर को उनकी जगह लगा दिया जाता है, फिर दोनों पेपर को आपस में चिपकाने के लिए गूंद का उपयोग किया जाता है। इसमें जितने मात्रा में गूंद लिया जाएगा उतनी ही मात्रा में पानी मिलाया जाता है, जैसे कि 1 किलो गूंद में 1 किलो पानी मिलाया जाता है। अब मशीन चलाते हैं और गूंद को सिल्वर पेपर में ऊपर से निश्चित मात्रा में मग से डाला जाता है। इसके बाद दोनों पेपर आपस में चिपकते हैं और आगे सरकते जाते हैं और उसके निर्धारित जगह पर रोल में इकट्ठा होते जाते हैं। जिस मशीन में साथ में कटर भी होती है तो उसमें फिट किए हुए साइज के अनुसार पेपर कट कर रोल होती जाती है। इस प्रकार के मशीन में कटर को फिट करने के लिए ढाई दिया होता है, जिससे आप अपने पसंद के अनुसार के साइज 22, 24, 28 इंच में काटकर मटेरियल तैयार कर सकते हैं। मशीन को ऑपरेट करने का तरीका मशीन के सेलर से आपको मिल जाएगा। एक बार सीखने के बाद आप आसानी से इसे चला लेंगे। मशीन और रॉ मटेरियल के लिए आपको अपने स्थानीय मार्केट में पता करें। अगर आपने वहाँ नहीं मिलता तो गूगल पर सर्च करें या फिर इंडिया मार्ट से भी खरीद सकते हैं।
इसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन खर्च देना होता है जो किलोमीटर के हिसाब से तय होती है, और जहाँ से मशीन खरीदेंगे वो आपको रॉ मटेरियल और मशीन को चलाने की पूरी जानकारी देंगे, और कई कंपनियाँ मशीन खरीदने पर डिस्काउंट भी देती हैं, तो आप अपने बजट के अनुसार इसका चुनाव करें। सिल्वर पेपर प्लेट लैमिनेशन दो प्रकार की आती है, जिसमें से बिना कटर मशीन की कीमत और कटर वाली मशीन की कीमत आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर से पता लग जाएगी। आप इन्हें फ़ोन करके इनसे मशीन का रेट पूछ सकते हैं और इनसे मशीन खरीद भी सकते हैं। रॉ मटेरियल का रोल आता है, जिसमें साधारण 20 से 35 किलो प्रति किलो की देर से मिलता है, और सिल्वर फोम रोल की कीमत 200 रुपये प्रति किलो की देर से मिलता है, और 2000 लैमिनेटेड सिल्वर पेपर रोल बनाने के लिए लगभग 50 किलो गूंद की ज़रूरत होती है, जिसे आप 30 से 50 रुपये प्रति किलो कंपनी अनुसार खरीद सकते हैं। इस प्रकार आप इस व्यवसाय को शुरुआत में 2 लाख में शुरू कर सकते हैं। अगर आप एक घंटे में 250 किलो सिल्वर पेपर का प्रोडक्शन करते हैं, तो 8 घंटे में 8×250=2000 kg सिल्वर पेपर रोल तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार एक महीने 30×2000 kg=60,000 किलो लैमिनेटेड सिल्वर पेपर का निर्माण कर सकते हैं। एक किलो लैमिनेटेड सिल्वर पेपर में 3 रुपये का प्रॉफिट होता है। अगर आप दिन में 2000 किलो रॉ मटेरियल बनाकर बेच देते हैं, तो 2000×3=6,000 रुपये कमा लेंगे। इस प्रकार आप एक मशीन में 6,000×30=180,000 रुपये कमा सकते हैं, और इसमें से हम रॉ मटेरियल का खर्च प्लस मजदूरी खर्च प्लस दुकान गोदाम का किराया प्लस बिजली खर्च प्लस अन्य खर्च पर लगभग 40,000 रुपये खर्च करते हैं, तो भी एक महीने 1,80,000 माइनस 40,000=1,40,000 रुपये प्रॉफिट कमाई जा सकते हैं। पेपर प्लेट डोना थाली का उपयोग सभी क्षेत्र में किराना दुकानों, होटल्स और शादी ब्याह कैटरिंग सर्विस वाले और टी कॉफ़ी एंड स्नैक सेंटर वाले करते हैं, क्योंकि इसकी मांग ज़्यादा है, तो इसे आप आसानी से पेपर प्लेट डोना थाली बनाने वाले लोगों से संपर्क कर अपना प्रोडक्ट सप्लाई कर सकते हैं, और अपने बिजनेस को इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, ट्रेंड इंडिया, एक्सपोर्ट इंडिया आदि की वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं, जहां से पेपर प्लेट थाली दोना बनाने वाली कंपनी आपसे खुद कॉन्टैक्ट कर आपका प्रोडक्ट खरीद सकती है। ये बिजनेस लघु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके लिए आपको MSME उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर आप अच्छा व बड़े स्केल पर यह बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको GSTN भी लेना होगा। इस बिजनेस के लिए आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 50,000 से 10,000 तक की राशि लोन ले सकते हैं, या फिर आप बैंक में भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सरकार कोई भी नया व्यवसाय शुरू करने पर 25% सब्सिडी भी देती है। आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।